दोस्तों स्वागत है ट्रैवल सिंह की एक और नई वीडियो में। आज हमारा क्या जियो ऑटो और हमारे यहाँ एक्सयूवी 500 आ रखी है और गाड़ी में काम हो रहा है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। सीट कवर वगैरह स्पेशली छत पे स्टार लाइटिंग वगैरह हो रही है, तो गाड़ी के पास लेके जाता हूँ। उससे पहले आज मैं आपको स्टार लाइटिंग का काम होते दिखाता हूँ। तो ऐसे देख सकते हो यार के जियो ऑटो, अब मैं आपको पहले स्टार लाइटिंग का काम होते दिखाता हूँ, फिर मैं गाड़ी के पास लेके चलूँगा आज आपको। काम यहाँ पे इन हाउस हो रहा है, मैं आपको इसलिए यहाँ पे इनके लेके आऊँ जहाँ पे कारखाना कह सकते हैं भाई, जहाँ सारा काम हो रहा है। जैसे देख सकते हो स्टार लाइटिंग का प्रॉपर वायरिंग वगैरह का काम चल रहा है और इस पर जो है 400 स्टार लाइट लगने वाले हैं, तो गाड़ी की फील बड़ी ज़बरदस्त आने वाली है। अभी डे टाइम है, नाइट टाइम है, आपको पूरा मैं व्यू दिखाऊँगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो भैया ध्यान से पूरा इंस्टॉलेशन वगैरह कर रहे हैं, एक एक पॉइंट कहीं भी नहीं छोड़े, एक एक पॉइंट में प्रॉपर उसको पहले देखो पिन लगा के प्रॉपर पहले उसको मार्क किया भैया ने, उसके बाद पिन लगाया, फिर उसके बाद देखो प्रॉपर अच्छे तरह से जो एडजस्ट की जा रही है, वायरिंग वगैरह हो रही है प्रॉपर। जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे देख सकते हो आप, काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ काम हो रहा है। अभी प्रॉपर जो होगा मैं आपको आउटपुट दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा देखिए टाइम टेकिंग काम है, बट गाड़ी की जो है लुक बड़ी ज़बरदस्त वाली हो जाती है अंदर से। तो अभी भैया को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए, क्योंकि काफ़ी कंसंट्रेशन से ये काम होने वाला है, तो चलते हैं अभी गाड़ी की तरफ, दिखाता हूँ गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। और जैसे देख सकते हो हमारी ये रहने वाली एक्सयूवी 500, अगर हम बात करते हैं, मैं आपको बाद में सारा आउटपुट दिखाऊंगा, अभी ये काम दिखा रहा हूँ भैया। इसमें फॉग लाइट डाली हमने, फॉग लाइट डाली और आगे भी कुछ इसमें हेडलाइट में भी कुछ काम वाम हुआ है, चाबी डाला हुआ है, इसमें LED डाली हुई है। ठीक है, तो सारा काम रहने वाला है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं अंदर क्या क्या काम हुआ है गाड़ी में। तो जैसे फुट रेस्ट वगैरह लगा है, एक बार थोड़ा सा मैं प्रेशर डाल के देखता हूँ, ठीक लग रही, क्वालिटी फिटिंग वगैरह सही है। बाकी क्योंकि गाड़ी ब्लैक रहने वाली है, तो ब्लैक ही उसके साथ मैचिंग लगवाया गया फुट रेस्ट, तो थोड़ी गाड़ी में एक थोड़ी लुक अच्छी हो जाती है इससे, और सपोर्ट खैर रहता रहता है। अब थोड़ा सा हम बैक पे चलते हैं और बैक पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो रिफ्लेक्टर इंस्टॉल हुए हैं। जैसे देख सकते हो अभी पन्नी वगैरह चढ़ी, थोड़ा पन्नी हटा के दिखाता हूँ, ये हमारे रिफ्लेक्टर रहने वाले हैं। अभी मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ की फंक्शन दिखाऊंगा, अभी मैं खाली आपको काम दिखा रहा हूँ क्या क्या काम हो रहा है गाड़ी में। तो रिफ्लेक्टर से गाड़ी की लुक अच्छी होती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, नाइट टाइम में आपको प्रॉपर आउटपुट रिस्पांस वगैरह दिखाने वाला हूँ, अभी मैं खाली आपको काम दिखा रहा हूँ। उसके अलावा जो बुल गार्ड कहते हैं, बम्पर गार्ड कहते हैं, काफ़ी यूज़फुल आइटम है गाड़ी को, जो बाइक वगैरह वाले पीछे से टक्कर मारते स्क्रैचेज आ जाते हैं हमारी बैक साइड भी, उससे हमारी गाड़ी को प्रोटेक्ट करता है और काफ़ी छोटे मोटे डैमेज से हमारी गाड़ी को अच्छा खासा प्रोटेक्ट कर देता है। तो जो बाहर तो बेसिक काम हुआ है, जो मेन काम हुआ है अपनी गाड़ी में अंदर रहने वाला है, अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं डोर खोल के दिखाता हूँ, तो ऐसे इसके अलावा सीट कवर वगैरह भी, उसके अलावा ये चीज़ बहुत खास और ट्रेंडिंग है हमारी एम्बिएंट लाइट रहने वाली गाड़ी में। जैसे आप देख सकते हो चारों डोर पे इंस्टॉल हो रखी है, मैं आपको वो वाली साइड भी दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देख लो इधर भी हमारी एम्बिएंट लाइट है, तो बैक साइड पर हमारी होगी। अगर हम फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं, तो फ्रंट पर भी हमारी लगी है, तो चारों साइड एम्बिएंट लाइट लगी है। अभी कनेक्शन वगैरह भी दे दिया भैया इसका, अच्छा कनेक्शन वो दे रहे हैं अभी, अच्छा कनेक्शन वगैरह हो चुका है, अभी हम जला के दिखाएंगे भैया लेटर ऑन करें। देख सकते हो अपनी बकेट सीट कवर रहने वाले, प्रॉपर फिटिंग वगैरह हो रही है, अभी आगे वाली सीट कवर हो चुकी है। उसके अलावा जैसे देख सकते हो हमारी जो है रूफ लाइटिंग का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, ये देखो बस अब इसको जो है बल्ब को अंदर कर रहे हैं, और 400 प्लस जो हमारे इसमें लगे हैं, देखो कलर जैसे भैया चेंज कर रहे हैं, तो प्रॉपर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी टेस्टिंग वगैरह चल रही है। बाकी इसके बाद हम देखेंगे रूफ, बहुत ज़बरदस्त एक इंटीरियर लुक आ जाती है, मतलब रॉयल लुक आ जाती है इंटीरियर में, जो कि हमारा रोज रॉयल्स में आपने देखा होगा रूफ इस टाइप का रहने वाला है। बाकी इंस्टॉलेशन वगैरह इसका पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा एक बार सीट कवर आगे चलते हैं, सीट कवर देखते हैं, ये देख सकते हो आप इस तरह का हमारे सीट कवर रहने वाले हैं, प्रॉपर अच्छे तरह से बकेट फिटिंग हो रखी है, ये डायमंड कट शेप है। उसके अलावा थ्रेड वर्क हमारा रेड कलर का हुआ है, बहुत ही अच्छी सफाई के साथ काम हुआ है। अपना हेडरेस्ट वगैरह रहता है तो इंस्टॉल हो जाए, तो प्रॉपर मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा स्टेयरिंग कवर भी स्टिच हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो थोड़ा पास से चलते हैं, तो थ्रेड वर्क भी इसी में जो है रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखा गया और थ्रेड वर्क रेड कलर का यूज़ किया गया है, अगर हम स्टेयरिंग कवर की बात करते हैं। बाकी सीट कवर की बात करते हैं, और काफ़ी अच्छा जो है जो OM फिटिंग वाला काम कहते हैं ना, वो हो रखा है, ग्रिप अच्छी आती है, और समर्स में जो पसीना वगैरह हमारे हाथों में आता है ना, तो स्टेयरिंग स्लिप नहीं करता, बिकॉज इसका काम ही यही होता है कि भाई ग्रिप अच्छी देना। तो भाई ये सारा जो अभी तक काम पहुंचा है, जैसे आप देख सकते हो, बाकी अभी फिर दोबारा आएंगे अपना सीट कवर वगैरह इसे पीछे और इंस्टॉल काम कंप्लीट हो जाए फिर आएंगे। मैं आपको बता रहा था, क्योंकि अब मैंने कहा था आपको नाइट टाइम में व्यू दिखाऊंगा, तो नाइट टाइम में आप जैसे देख सकते हो ये अपनी फॉग लाइट में जो है HID वगैरह डली और काफ़ी ब्राइट आउटपुट है,
उसके अलावा यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी HID डली है और यहाँ पे LED डली है। तो मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हो, ये भी हमारा फॉग लाइट का और लो बीम का आउटपुट रहने वाला है। उसके अलावा LED डली है जो अपना हाई बीम पे रहने वाला है, उसका भी मैं एक बार आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, हम हाई बीम भी हमने ऑन कर लिया है, तो आप देख सकते हो किस टाइप का आउटपुट रहने वाला है। ये देख लो, तो इस टाइप का हमारा आउटपुट रहने वाला है। बाकी खैर लुक तो खैर अपग्रेड हुई है, मेन काम अंदर हुआ है, तो अंदर का काम चल रहा है अभी। बाकी आपको दिखाऊंगा एक बार काम कंप्लीट हो जाए। बाकी रात को काफ़ी क्लियर विजन मिलने वाली है, जैसे आप देख सकते हो। जैसे देख सकते हो हमारी XUV बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं सीट कवर वगैरह, आप जैसे आप देख सकते हो प्रॉपर अच्छे तरह से बकेट फिटिंग हुई है, क्योंकि ब्लैक इंटीरियर है हमारी XUV का, तो उसी के साथ मैचिंग रखा है। और भैया ने अपने जो है, ये आप जैसे देख सकते हो, मैं आपको दिखाई देता फिर भी मैंने कहा हेडरेस्ट लग जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई ये देखो, जैसे इस टाइप का अपना काम रहने वाला XUV का, काफ़ी अच्छा काम हुआ है। उसके अलावा जो मेन चीज़ हुई वो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले एक बार बाहर आपको रिफ्लेक्टर्स दिखाता हूँ जो मैंने पहले आपको बोला था। जैसे देखो भैया, हम लगाना एक बार ब्रेक, ये देखो भैया ने ब्रेक अप्लाई की है, दिखाना भैया एक बार दिखाना। ये जैसे ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो भाई काफ़ी ये रिकमेंडेड आइटम है और ट्रेंडिंग चीज़ है, गाड़ी की लुक बहुत अच्छी हो जाती पीछे से। अभी हम चलते हैं बाकी अंदर की तरफ, तो मैं जैसे देखता हूँ एम्बिएंट लाइट लगी, मैं गाड़ी के अंदर चलता हूँ तो आपको प्रॉपर पता चलेगा। अंदर की बात करते हैं, जैसे मैं आपको कह रहा था भाई, मैंने थोड़ा लाइट्स वगैरह ऑफ कर दिया, अंधेरा कर दिया, ये हमारी एम्बिएंट लाइट लगी है, जैसे आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ अंदर भी इंस्टॉल कर रखी है जो हमारे डोर हैंडल्स वगैरह होते हैं, उस पर भी थोड़ा इस साइड से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, तो हमारे डोर हैंडल भी होते हैं, वहाँ भी जो लाइट वगैरह इंस्टॉल कर रखी है। उसके अलावा ये प्रॉपर एम्बिएंट लाइट रहने वाली है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ भी देखो एम्बिएंट लाइट का काम हो रखा है, ये देखो प्रॉपर। तो हमारे डैशबोर्ड साइड पर भी साइड पर एम्बिएंट लाइट का काम हो रखा है। उसके अलावा अगर बात करते हैं, जैसे आप देख सकते हो भाई, छत वगैरह जो हमारी मेन रूफ, 400 प्लस लाइटें जो है इंस्टॉल हुई, मैंने आपको दिखाया था काम। भाई ये चीज़ काफ़ी यूनिक लग रही है, प्यारी लग रही है। ये देखो बैक साइड पे भी हमारी एम्बिएंट लाइटिंग हो रखी है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। देख लो भाई, ये सब काम हुआ है गाड़ी में। और मैं आपको एक बार कलर वगैरह चेंज करके दिखाता हूँ इसमें, क्योंकि कलर वगैरह भी काफ़ी इसमें चेंज हो जाते हैं, और ऑटोमेटिकली भी अगर आप चाहते हो और कंटिन्यूस चेंज हो तो वो वाला फीचर भी रहता है। उसके अलावा यहाँ भी भैया ने लाइट इंस्टॉल की है, ये देख लो। तो भाई ये चीज़ काफ़ी गाड़ी का एम्बियंस काफ़ी अच्छा बना दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा लाइट चेंज करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हो मैं रूप पे ऐसे लाइट्स वगैरह। अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ कलर इसके, ये देख लो, अलग अलग मोड्स रहते हैं, तो भाई हम अलग अलग इसको कलर चेंज कर रहे हैं, ये देख सकते, जैसे देख सकते हो। ये भैया इसमें आधी लाइट अलग है, आधी लाइट अलग है, ऐसा है कुछ क्या इसमें? अच्छा, दोनों ऑप्शन है, ठीक है, हो गया, ठीक है। अच्छा, हमारे दो दो रिमोट है इसके, दो रिमोट है, दो कलर कर सकते हो, आधे आधे कहीं भी ना, ठीक है। तो भाई ये डबल ऑप्शन है, ये चीज़ तो और यूनिक है। तो हम इसको कर देते हैं आधी, ऐसे चेंज कर देते हैं लाइट को और ग्रीन कर देते हैं। अच्छा, पूरा चेंज हो गया। उसके अलावा ये देखो रेड हो गया। बाकी एक बार मैं लाइट ऑफ करके आपको प्रॉपर दिखाता हूँ, ये हमने कर दी लाइट ऑफ, ये देखो हमारा पर्पल कलर हो गया। अब हम कंटिन्यू इसको चेंज करना चाहते हैं, ये देखो खाली पीछे वाला हो रहा है, ये देखो, क्योंकि उसका सेंसर पीछे और इसका आगे, तो इस टाइप से देखो, ये आप ये देखो। तो भाई ये चीज़ काफ़ी यूनिक लग रही है, काफ़ी अलग अलग कलर्स के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर कलर में भी हम रोक सकते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ रोल्स रॉयल्स में आती है, आपने देखा होगा जैसे, और काफ़ी यूनिक लुक आ रही है भाई। तो सारा काम हुआ है गाड़ी में, ये जो मेन काम हुआ है। अब भैया के पास चलते हैं इनकी गाड़ी, उनका बात करते हैं क्या कहना काम के बारे में। तो जैसे भैया आया, आज हमारा XUV 500 लेके, बहुत ही भैया बहुत ही बढ़िया लग रही है आपकी गाड़ी। थैंक यू सर। अच्छा भैया, थोड़ा सा बताना कहाँ से हैं आप? यार सो बेसिकली वी आर कमिंग फ्रॉम ग्वालियर MP। अच्छा, और दिस इज अ कार व्हिच वी हैव बॉट आई थिंक अ ईयर बैक। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हिच वी आर गोइंग थ्रू द एंटायर इंटीरियर पार्ट्स। ओके, अबाउट दिस शॉप वी ऑल मतलब केम टू नो थ्रू अ YouTube चैनल। ठीक है, सो द ओनर हु ऑफ दिस कार बिलोंग्स टू फ्रॉम दुबई ओनली, सो टुडे ओनली ही लैंडेड इन द सिटी। ओके, सो वी वर हियर टू पिक हिम अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, एंड दैट इज व्हाई वी ब्रॉट दिस कार आल्सो टू गेट दिस फर्निश्ड वंस फॉर ऑल। ओके, तो यहां जय ऑटो पार्ट्स पे आए, सी सर्विसेज आर गुड, मतलब जो भी हमारे हिसाब से करना था वो करवा लिया, बट ओनली द थिंग व्हिच आई हैव ऑब्जर्वड इज द टाइम, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रियली टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, आई नो मतलब XUV भी है, सो उस हिसाब से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज आई थिंक 11 बजे हम लोग यहाँ आ गए थे, एंड इट ऑलमोस्ट टुक आई थिंक
12 घंटे और आई थिंक इट्स अभी कितना शायद 10:30 के आसपास होंगे। हाँ, तो 11 घंटे के आसपास है ये प्रोसेस, थोड़ा लंबा है। अगर इफ एनीवन इज वांटेड टू विजिट दिस प्लेस देन दे शुड डेफिनेटली हैव अ टाइम पीरियड वेयर दे कैन यूटिलाइज एंड सो वहाँ एक थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपको लेके आना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट ऑल। अच्छा, मतलब टाइम की तो बात हो गई, टाइम कंज्यूम प्रोसेस है, टाइम लेके आना चाहिए अगर आपको गाड़ी का अच्छा काम कराना है। बट भैया एक चीज जानना चाहेंगे कि क्वालिटी ऑफ वर्क आपको कैसा लगा, अगर जैसे आपके सामने सारा काम हुआ है और जो अब फाइनल आउटपुट आ चुका है तो आपको क्वालिटी ऑफ वर्क अभी तक तो मतलब फिनिशिंग में बहुत अच्छा लग रहा है जी। सी अनटिल अनलेस वी यूज दिस वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू टेल लाइक हाउ इज इट राइट। Okay. तो अभी तो थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा कि कैसा क्या है, और भी पीपल विल डेफिनेटली सी दिस प्रोसेस कि यार ये कैसा क्या लगा है। राइट नाउ वी आर टू पीपल तो हमारा दोनों को ओपिनियन डिफर हो सकता है। मेरे को अच्छा लगा, दूसरे को नहीं लगा, बट चार लोग देखेंगे तो वो और बता पाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी तक तो प्रोसेस तो उनको अच्छा था जी। और जो प्रोडक्ट्स वगैरह उन्होंने मतलब जो भी आपकी सीट कवर वगैरह जो है अभी तक फिलहाल आप सेटिस्फाइड? राइट, अभी तक तो सेटिस्फाइड।